I'm good, thanks. How are you doing? Oh, great, all great. So let's start from the beginning. Like, we really have got to know Luke from Rock On. Yes. I mean, you started long back, but I think Rock On has been defining, I think, movie somewhere for Yeah, you. I think it brought me back to a whole new audience all over again. Although my first film that I ever did was something called Bombay Boys, which was way back in 1998 with Kaizad Gustad. That was during my VJing days with Channel V. But Rock On kind of brought me back to a whole new generation, a whole new audience. So that was really interesting. I guess each and every opportunity presents itself in its own way, and then you have to deal with it in its own time. तो trying to make time for each and everything अपने आप समय बन जाता है अगर आप passionate enough हो तो. So between Rock On and Banjo, which was my most recent release, I got into four में एक छोटी सी फिल्म आई थी 13th Floor, जो मैंने प्रोड्यूस को प्रोड्यूसर को डायरेक्ट की विद पूरब कोहली एंड संध्या मृदुल. देन इन 2013 मैंने एक और फिल्म को प्रोड्यूसर को डायरेक्ट की विच वॉज राइज ऑफ द जॉम्बी, जो इंडिया की पहली जॉम्बी ओरिजिन फिल्म थी. इट केम आउट बिफोर गो गोवा गॉन. सो आई बीन ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी विथ डेवलपिंग माई ओन प्रोजेक्ट्स एज वेल ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड एट द सेम टाइम वर्किंग एज एन एक्टर इन वट एवर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स टू मी. तो फिल्में आती हैं या फिर प्ले आता है, और ऑफ कोर्स म्यूज़िक तो मेरा बैकबोन रह ही चुका है, तो कॉन्सर्ट्स और परफॉर्मेंसेस तो चलती रहती है. सो यस, आई गेस एज एंड व्हेन ईच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इटसेल्फ, आई गेस उसको करने का अपने अपना एक समय निकल ही जाता है. वेल, आई कॉन्ट रियली चेंज द वे आई लुक, बट एटलीस्ट थ्रू लैंग्वेज एंड थ्रू कम्युनिकेशन विद पीपल लाइक यू, आई कैन एक्सप्लेन द फैक्ट दैट यू नो यस मे बी आई डोंट लुक इंडियन, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यहीं का पला बड़ा हूँ, तो मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूँ जितने आप सब हैं. और मौक़े भी उसी तरह की मैं उसी तरह की मौक़ों के मैं खोज में हूँ. तो यस, सो यस एक्सप्लेनिंग The explanation then comes through because then I have to explain that my great grandfather was Irish and my mother's side was Italian and my grandmother's side was British. तो हालांकि हेरिटेज तो इंटरनेशनल रही है, लेकिन ऑफ कोर्स बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया एंड इन बॉम्बे पर्टिकुलरली, तो हिंदुस्तानी तो हूँ ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं बम्बैया हूँ. तो बस ये तो यस इट बिकम्स सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक के यार तुम ऐसे दिखते हो तो तुम इस तरह की रोज नहीं कर पाओगे, तुम इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे. हाँ यस, तो थोड़ी तो मराठी भी बिकॉज महाराष्ट्र में रह के मेरे काफ़ी महाराष्ट्र फ्रेंड्स हैं, रह चुके हैं, और आए दिन लोगों से मिलते रहता हूँ जो जिनके साथ मैं मराठी में बात करता हूँ. तो यस, तो एक और भाषा भी है मेरे अंदर जो जिसका एक्सप्लोरेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो होपफुली वो भी हो जाएगा. या ऑफ कोर्स, इनफैक्ट एवरी टाइम आई वॉक डाउन एनी 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 ऑफ द टूरिस्टी एरियाज, लाइक आई माई कॉलेज वॉज इन कोलाबा, आई एम एल्फिंस्टन कॉलेज, सो आफ्टर कॉलेज और ड्यूरिंग कॉलेज वट एवर वी वुड जनरली गो आउट एंड हैंग आउट एट कोलाबा, एंड ऑफ कोर्स आई स्टिल डू. तो जब भी मैं कोलाबा कॉलेज से गुजरता हूँ, एटलीस्ट चार पाँच लोग तो मेरे पास आते ही हैं कुछ ना कुछ बेचने के लिए, चाहे वो वो ही क्यों ना हो. सो जनरली देन सो दे थिंक दे कैन ट्राई एंड सेल एनी थिंग टू मी, तो मैं हिंदी में फिर सिर्फ दो शब्द बोलता हूँ उनको, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और वो दो शब्द हैं चल भाग. सो ये sure you have a lot of girl fan following has been there from
Kind of, yes. I mean, a lot more people kind of, you know, recognize me, and you know, they've seen the films on television, on digital media, or even on screen as well also. And they all kind of like appreciative of you know, the efforts that I've made and the contribution that I've made as well also. And the good part is that even in those films, there's been given no backstory given or no justification of given that of the way I look. So it's just taken at face value of the character that, you know, ये तो इंडियन ही है, you know, इसकी कोई पीछे की कहानी नहीं है. तो रॉक ऑन में, you know, रॉक का जो कैरेक्टर था वो रॉबी था वो, you know, कोई किसी ने सवाल नहीं उठाया कि वो ऐसा क्यों दिखता है और वो इनके साथ कैसे, you know, वगैरह वगैरह. सिमिलरली विद बैंजो एज वेल ऑल्सो, यू नो, द रोल ऑफ माइकी, हु वॉज देयर, इज जस्ट देयर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे, यू नो, साउंड रिकॉर्डिंग ले रहा है वगैरह, और वो इस बैंड को सुनता है, बैंजो बैंड पार्टी को सुनता है, और फिर, you know, उनको ढूंढने निकल जाता है. तो द गुड पार्ट इज दैट जो काम मुझे मिला है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं रही है बिकॉज ऑफ द वे आई लुक. इट्स जस्ट बीन एस्टेब्लिश दैट ये है बंदा और लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो वो अच्छी बात है. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंसेस थ्रू माय कॉन्सर्ट्स एंड माय म्यूजिक, ऑफ कोर्स, यू नो, आई एम रीचिंग आउट टू ऑल्सो द यंग ऑडियंस एंड ऑल काइंड ऑफ ऑडियंसेस. तो यस, एक एक्सेप्टेंस है, एक कुछ हद तक एक एक्सपोजर भी है, बट ओवर एक्सपोजर नहीं है थैंकफुली. तो आई गेस वो भी थोड़ा वो हो जाएगा. एक यस, इट वाज अ वन सॉन्ग इन द फिल्म, यू नो व्हाट आई मीन, इज द नेम ऑफ द सॉन्ग. तो एक आई थिंक कहानी में एक पार्ट था जहाँ पर, यू नो, पूरा ढूंढने निकलता है आदित्य की कैरेक्टर को, जो फरहान की कैरेक्टर है, और वो चलते चलते वो सोचते रहते हैं, और फिर उसको ये गाना याद आता है कि हमने एक परफॉर्मेंस की थी एक वेडिंग के लिए, और फिर दैट इज़ द सॉन्ग इन द फिल्म. तो यस, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ रियूनियन, एंड काफ़ी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी छाया रहा वो. फरहान ने हम सब चारों की फोटो ट्वीट की और इंस्टाग्राम पे भी डाला, तो बहुत अच्छा लगा. ऑफ कोर्स इट्स गुड फन टू मीट द गाइज ऑलवेज, बट देन एवरीबडी इज नाउ सो बिजी, तो इतनी मुलाकातें भी नहीं हो पाती हैं, बट आई गेस जब होती है तो अच्छी होती है. Yes, we had a lot of scenes together. Yes. So, how did you really explain Nargis? The entire thing, I mean, I don't know if she must, उनको मराठी आती है, उनको हिंदी. मराठी नहीं, उनको जरा भी नहीं आती है. अच्छा. इनफैक्ट रवि सर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, रवि जाधव, हमारे जो भी सीन्स थे तो रवि वुड एक्सप्लेन, रवि साहब वुड एक्सप्लेन द सीन्स टू हर, द इमोशन एंड एवरीथिंग, ऑल दैट स्टफ. एंड ऑल्दो नरगिस हैड अ डायलॉग कोच एज वेल ऑल्सो, सो दैट शी कुड लर्न द वर्ड्स फोनेटिकली, बट फिर भी एट द टाइम ऑफ द सीन तो नोबडी कैन बी देयर, सो इट्स जस्ट मी एंड हर. हाँ, तो रवि साहब वुड से माइकी, यू वुड कॉल मी माइकी, तू संभाल लेना यार उसको. तो सीन करने के पहले मैं और नरगिस रिहर्स करते थे उसको, उसको मैं एक हर एक शब्द का एक न्यूएंस समझाता था, एंड देन फिर वो, यू नो, किसी तरह से वो लाइन याद करके वो बोल देती थी वो. जी 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 वेल, रितेश वॉज सरप्राइज्ड टू नो दैट, यू नो, आई कैन बी एज मराठी एज आई वॉन्ट टू बी एज वेल ऑल्सो. सो यस, आई मीन देर आर टाइम्स वेन, यू नो, वी वुड वी ही वुड देर वॉज अ इट वॉज क्वाइट अ मराठी क्रू एज वेल ऑल्सो. सो यू नो, एवरीबडी वुड टॉक एंड एवरीबडी वुड हैड कॉन्वर्सेशन, वी ऑल हैव, यू नो, लंचेज एंड डिनर्स टुगेदर ड्यूरिंग द ब्रेक्स इन द शूटिंग. तो इट वॉज ऑलवेज गुड फन. सो यू नो, रितेश इज अ कूल गाय, ही इज अ एब्सोल्युटली चिल्ड आउट गाय, एंड ही, यू नो, स्टिक्स टू हिज जॉब. And he comes and does the best that he always does, and it was great working with him as well. Super. So, I mean, we really, you know, look forward that your future projects, you come and do a lot of Marathi roles. So, any chances of doing a Marathi film is in pipeline? Well, in fact, there was talk because when Ravi sir also got to know that, you know, I can speak Marathi well and things like that. So he says, "Main plan kar raha hu, ek Marathi picture plan kar raha hu." I said, "Sir, your forte is Marathi films." And he's made lots of legendary films, as we know, Natrang and Bal Gandharv and stuff like that. So I told him, sir, apan kadhi Marathi chitrapat karta hai, to mala kai tari ek chance dia. So he was like, yes, of course. So in fact, I think he's planning a big film on Shivaji, Shivaji Maharaj. So you never know. The look you can do Hindi and Marathi.
any chance, you can work there too. Send me a ticket and I'm there. So just send me a ticket. Amazing. No, if good old Rajnikant saab, who is Shivaji Rao Gaikwad, yeah, can make it, then हम तो बस 1% है उसके, 0.01% है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो रोशनी है कुछ. क्या क्या सुनाऊ मैं. ओके चलो मैं तुमको रॉक ऑन टू का एक गाना सुना लेता हूँ जो जिसमें मैं हूँ, जो फरहान ने गाया है ऑफकोर्स, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी और फरहान की आवाज़ भी मिलती जुलती है तो थोड़ा बहुत फॉर्मिलैरिटी भी होगा आपको आपको. सुन लो मेरा कहना, यूं ही मिलते रहना, कल जहां मिले थे कल वहीं मिलेंगे. छोड़ो तुम ये बातें, क्यों ये पूछती हो, मैं वर्ड्स भूल गया हूँ, लेकिन जो भी तुम कहो जो भी हम कहें, कहना वो कल जो मैं कहें तो ये सुनता हूँ. यू नो व्हाट आई मीन, लेट्स डू अनदर वन. या व्हाट द वर्ड्स यार, विच आर द सॉन्ग टू सिंग, कट करना जरा. I'll do one classic song, चलो. ज़िंदगी कैसी है भाई? At least that's a recognizable. Yeah, sure, if you want, if that'll go out. नहीं ना, तो रहने दो ना, तो रहने दो. Okay, एक बहुत ही classic song है. अपने ज़माने की बहुत हिट रही है मन्ना डे साहब की आवाज़ में. ऑफकोर्स मैं तो जस्टिस नहीं कर पाऊँगा लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए. थैंक यू वेरी मच. एक डायलॉग ठीक है. रॉक ऑन में एक बहुत छोटी सी लाइन है जहाँ पर मैं अर्जुन के कैरेक्टर को बोलता हूँ, व्हेन आई एम ट्राइंग टू रियूनाइट द बैंड. तो इट्स अ वेरी शॉर्ट लाइन. द लाइन इज इन विच इज इट्स अ लाइन दैट आई रियली बिलीव इन एज वेल ऑल्सो. द लाइन इज, जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती, जो अगर उसे आना होगा तो वो आएगा. Which one is it? That is also my favorite. This is also again is what I am. So, chalo, ek banjo wali dialogue. Thane, bro, tere aur mere beech ka fark sirf kapde aur rang ka hai. Ye to tere jaisa tapori to apun bhi hai. Thank you so much, Luke, for giving us time and speaking to us. My pleasure, absolutely. Thank you. Thanks a lot.